ना वे सपने सलामत रहेंगे, ना वे आंखें जो हिंदुस्तान की ओर उठेगी। नमस्कार दोस्तों, तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जिंदगी पर आधारित अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म सम्राट पृथ्वीराज दोस्तों अब से 6 दिनों बाद यानी कि 3 जून को सिनेमा घरों में रिलीज के लिए तैयार है। ऐसे में दोस्तों काफी समय से ऑडियंस के बीच इस फिल्म की एडवांस बुकिंग को लेकर सवाल बना हुआ है कि आखिर फिल्म जहां 3 जून को रिलीज के लिए तैयार है तो इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है वो कब से शुरू की जाएगी। तो दोस्तों आप सभी को बताते चले कि फिल्म सम्राट पृथ्वीराज की जो एडवांस बुकिंग है वो कल यानी कि 29 मई से स्टार्ट की जा रही है। इस फिल्म में दोस्तों हमें अक्षय कुमार सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के किरदार में नजर आएंगे। तो वहीं दोस्तों मानुषी छिल्लर संयोगिता, संजय दत्त काका काना, तो वहीं सोनू सूद चंद वरदाई के किरदार में नजर आने वाले हैं। वहीं फिल्म में इन सब के अलावा हमें आशुतोष राणा भी अहम किरदार में नजर आएंगे। फिल्म की दोस्तों कहानी लिखी है और फिल्म का डायरेक्शन किया है डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी ने, जबकि फिल्म को प्रोड्यूस किया है आदित्य चोपड़ा ने यश राज फिल्म्स के बैनर तले। इस फिल्म का दोस्तों पहले टाइटल पृथ्वीराज चौहान रखा गया था जिसे कि चेंज करके सिर्फ पृथ्वीराज कर दिया गया था। उसके बाद दोस्तों करनी सेना और तमाम लोगों की तरफ से फिल्म के टाइटल को लेकर ऑब्जेक्शन उठाया गया था, जिसके बाद दोस्तों फाइनली अभी हाल ही में 27 मई को फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म का टाइटल पृथ्वीराज से सम्राट पृथ्वीराज कर दिया है। ये फिल्म दोस्तों भारत भर में 5,500 से 6,000 स्क्रीन पर रिलीज की जानी है, जहां पे दोस्तों ये फिल्म एक बड़ी ओपनिंग लेकर अक्षय कुमार के कैरियर की हाईएस्ट ओपनर फिल्म साबित हो सकती है। इससे पहले दोस्तों अक्षय कुमार की हाईएस्ट ओपनर फिल्म मिशन मंगल है, जिसने की दोस्तों 29,16,00,000 रुपए की ओपनिंग इंडियन बॉक्स ऑफिस पे हासिल की थी। वहीं दोस्तों फिल्म में पृथ्वीराज को लेकर जो क्रेज ऑडियंस के बीच देखने को मिल रहा है उसे देखते हुए कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म पृथ्वीराज अपने पहले ही दिन 30 से 32 करोड़ रुपए की एक शानदार ओपनिंग लेने वाली है और अक्षय कुमार के कैरियर की हाईएस्ट ओपनर साथ ही साथ दोस्तों हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म साबित होने वाली है। इस फिल्म को दोस्तों हिंदी के साथ साथ तमिल और तेलुगु में भी रिलीज किया जाना है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कल से फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू होती है और ये फिल्म अपने एडवांस बुकिंग में पहले दिन के लिए कितने करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन हासिल कर पाएगी। वैसे दोस्तों फिल्म में पृथ्वीराज को लेकर आप भी एक्साइटेड हैं या नहीं हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों आपको क्या लगता है कि फिल्म पृथ्वीराज अपने पहले दिन कितने करोड़ की ओपनिंग लेगी, 20 करोड़, 30 करोड़ या फिर 35 करोड़, हमें अपने प्रेडिक्शन कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिए चैनल के साथ, कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही में दिख रहे बेल आइकन को भी दबा दीजिए।